अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक लेस डिज़ाइन बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये एंकर का कॉटन थ्रेड लिया है। ये आपको प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर्स, ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है, वहाँ पर मिल जाएगा। इसकी परचेस लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और नीडल मैंने यहाँ ली है 7 नंबर 0.95 mm की। इस तरह की नीडल्स आपको प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर्स की वेबसाइट पर या फिर अमेज़ॉन वगैरह पर इजीली मिल जाएगी। लोकल मार्केट में भी ये अवेलेबल है, लेकिन अगर आपको नहीं मिलती है तो अमेज़ॉन पर ये अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर दुपट्टे पर, सॉरी रुमाल पर बना रही हूँ। आप इस तरह की लेस डिज़ाइन को साड़ी की बॉर्डर पर, दुपट्टे पर, ड्रेस के दामन पर, स्लीव्स पर बना सकते हैं। सबसे पहले हम फिंगर पर धागा फोल्ड करके स्लिप नट लेंगे। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके, और बेल नोटिफिकेशन पर ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि मैं जब न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। इस तरीके से हमें स्लिप नट लेना है पहले, और फ्रंट साइड से हम स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से कॉर्नर पर हमें पहले ऐसे अटैच करना है, फिर हम लेंगे 2 चैन, फिर थोड़े गैप पर अटैच कर लेंगे। फिर हम लेंगे 3 चैन, 1, 2, 3। 3 चैन लेने के बाद ये जो हमने अटैच किया है, इसमें हम क्रॉस में नीडल डालेंगे, ये ऐसे। धागा लेते हुए बाहर आएंगे। अब यहाँ पर जो 2 धागे हैं, नीडल पर धागा फोल्ड करके इन दोनों धागों में से बाहर आ जाएंगे, इस तरीके से। फिर हम लेंगे फिर से 4 चैन, 1, 2, 3, 4। स्टार्ट में हमने यहाँ पर 3 चैन ली थी, अब हमें 4 चैन लेनी है। और ये जो हमने अटैच किया है, ये जो अटैच के आपको धागे दिख रहे हैं, इसमें आपने नीडल डालनी है ऐसे। अब यहाँ पर नीडल पर धागा फोल्ड करके बाहर आना है, और यहाँ पर इस तरीके से 2 धागे हैं, दोनों धागों में से आपने बाहर आ जाना है, इस तरीके से। ये हमने 2 बार बना लिया। फिर हम 4 चैन लेंगे। 4 चैन लेने के बाद फिर ये जो अटैच के आपको 2 धागे दिख रहे हैं, इसमें हम नीडल डालेंगे। धागा लेते हुए इन 2 धागों में से पहले बाहर आएंगे, फिर 2 धागे हैं तो नीडल पर धागा फोल्ड करके दोनों धागों में से बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर ये 1, 2 एंड 3, 3 टाइम्स हमने बना लिया। फिर इसी तरीके से हम 4 चैन लेंगे, फिर ये जो अटैच के 2 धागे हैं, इसमें हम नीडल डालेंगे। पहले धागा लेकर इसमें से बाहर आएंगे, फिर 2 धागे हैं तो नीडल पर धागा फोल्ड करके दोनों धागों में से बाहर आ जाएंगे, ये इस तरीके से 1, 2, 3 एंड 4। अब एक बार हम फिर से बना लेंगे 5 टाइम, लास्ट टाइम 4 चैन, ये जो अटैच के 2 धागे हैं, इसमें नीडल डालकर इसमें से आ जाएंगे बाहर, और फिर 2 धागे हैं, इन दोनों धागों में से बाहर आ जाएंगे, इस तरीके से। अब नीडल पर धागा फोल्ड करके ये जो अटैच है, इसी में हम नीडल पर धागा फोल्ड कर लेंगे, और इस गैप में से हमने नीडल डालनी है और धागा लेते हुए बाहर आना है। अब इसे थोड़ा खींच लेंगे। 3 धागे हैं, 2 धागों में से बाहर आएंगे पहले, फिर 2 धागों में से बाहर आ जाएंगे। अब इसे जहाँ तक ये झुक रहा है वहाँ पर हम अटैच कर लेंगे, इस तरीके से। अटैच करने के बाद हम लेंगे 2 चैन, फिर 2 चैन जहां पर एंड हो रही है वहां पर हम एक अटैच कर लेंगे, इस तरीके से। अब सेम ऐसे सेकेंड राउंड बनाना स्टार्ट करेंगे। ये फर्स्ट राउंड हमारा यहां तक कंप्लीट हो गया।
अब यहीं से हमारा सेकेंड राउंड बनना स्टार्ट हो जाएगा। थ्री चैन लेंगे पहले, तो थ्री चैन लेकर ये जो अटैच है इसके क्रॉस में अटैच कर लेंगे इस तरीके से। फिर हम लेंगे यहाँ पर फोर चैन, वन टू थ्री फोर। फिर ये जो दो धागे हैं यहाँ पर अटैच के, इसमें नीडल डालेंगे, धागा लेते हुए बाहर आएंगे, दो धागों में से बाहर आ जाएंगे, फर्स्ट ये सेकेंड, वन टू थ्री फोर, फोर चैन लेंगे, ये जो अटैच के दो धागे हैं इसमें नीडल डालेंगे, धागा लेते हुए बाहर आएंगे, फिर इन दोनों धागों में से बाहर आ जाएंगे, फिर फोर चैन लेंगे, अटैच के इसमें हम नीडल डालेंगे, धागा लेते हुए बाहर आएंगे, फिर इन दोनों धागों में से बाहर आ जाएंगे, वन टू थ्री एंड फोर, और एक लास्ट अटैच के धागों में हम नीडल डालेंगे, धागा लेते हुए बाहर आकर दोनों धागों में से बाहर आ जाएंगे। जब ये फाइव टाइम कंप्लीट हो जाए तब हमने नीडल पर धागा फोल्ड करना है, और ये जो अटैच हमने स्टार्ट में लिया है टू चैन वाला, इस गैप में हम बनाएंगे वन टाइम डबल क्रोचेट। डबल क्रोचेट बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है, नॉर्मल साइज़ का ही बनाएंगे। डबल क्रोचेट बनने के बाद जहाँ पर ये एंड हो रहा है वहाँ पर पहले अटैच, फिर लेंगे टू चैन, फिर थोड़े गैप पर अटैच इस तरीके से, और ऐसे ही हमने कंटिन्यू फॉलो करते जाना है। एक बार फिर से मैं आपको बनाकर बताती हूँ। पहले थ्री चैन ले लेंगे, ये अटैच के गैप में क्रॉस में अटैच कर लेंगे, फिर फोर चैन लेंगे, फिर ये जो अटैच के दो धागे हैं इसमें नीडल डालकर यहाँ पर अटैच कर लेंगे, फिर फोर चैन लेंगे, फिर ये जो अटैच के दो धागे हैं इसमें नीडल डालकर धागा लेते हुए बाहर आएंगे, फिर इन दोनों धागों में से बाहर आ जाएंगे, फिर फोर चैन लेंगे, ये जो अटैच के दो धागे हैं इसमें नीडल डालकर धागा लेते हुए बाहर आएंगे और दोनों धागों में से बाहर आ जाएंगे, फिर फोर चैन लेंगे, अटैच के दो धागों में नीडल डालेंगे, धागा लेते हुए बाहर आएंगे और दोनों धागों में से बाहर आ जाएंगे। अब नीडल पर धागा फोल्ड करके ये जो गैप है इसमें हम डबल क्रोचेट लेंगे, अटैच कर लेंगे। अब लेंगे हम टू चैन और थोड़े गैप पर अटैच करेंगे, और ऐसे ही हमने इसे कंटिन्यू फॉलो करते जाना है। अब जितनी लेंथ बनाना चाहते हैं बिल्कुल आपने ऐसे ही इसे कंटिन्यू फॉलो करना है। ये देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने इसकी थोड़ी लेंथ बनाई है और इसका लुक कितना प्यारा लग रहा है। ऐसे ही आपने इसे कंटिन्यू फॉलो करना है। ये बहुत ही इजी और सिंपल सी लेस डिज़ाइन है स्पेशली बिगिनर्स के लिए। सो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करोगे, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप शेयर कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है, और फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि मैं जब न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय गाइज़।